देश भर में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। यही वजह है कि लोगों ने गर्म कपड़े निकालना भी शुरू कर दिया। दक्षिण के राज्यों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को तमिलनाडु, केरल और माह में बारिश के अलर्ट को जारी किया। इसके अलावा एमजी ने जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं सामान्य से 2 डिग्री ये ज्यादा है। एमजी के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आने वाले दिनों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के चलते इसके और भी खराब होने की आशंका है। किन राज्यों में कैसा मौसम रहने वाला बता देते हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ लखनऊ में भी धीरे धीरे तापमान गिरावट देखने को मिल रही है। लखनऊ में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 18 और 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। अलावा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। पश्चिम विभोक्ष के सक्रिय होने के कारण राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर पश्चिमी के चलते राज्य के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है।